में रेलवे कर्मचारियों के एटीएम का क्लोन तैयार कर ठगों ने उसी के खाते से 1,15,000 रुपए निकाल लिए। ठग ने यहां पर श्री निचपुरू नाम के रेलवे कर्मचारी के खाते से 3 बार ये रकम निकाली है। पीड़ित ने मामले की शिकायत खमतराई पुलिस में दर्ज कराई। इस खबर के सामने आने के बाद ठगी के जो मामले को लेकर खमतराई पुलिस एटीएम के बाहर एटीएम ठगों से बचने के लिए पोस्टर लगाकर ठगों से सावधान रहने के लिए बता रही है। पीड़ित रेलवे कर्मचारी शिनू चिपरू का कहना है कि उसने न तो बैंक से संबंधित कोई गोपनीयता जानकारी किसी को बताई है और न ही उसे कोई फोन आया, फिर भी उसके खाते से पैसे निकल गए। बैंक के स्टेटमेंट में पैसा हीरापुर एटीएम से निकाला हुआ बताया जा रहा है। इस आधार पर प्रारंभिक तौर पर प्रतीत हो रहा है कि एटीएम क्लोनिंग हुआ है और इस तरह इसके साथ ठगी हुई है। साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है। बैंक में एंट्री किया तो फिर वहां से हीरापुर एटीएम से मशीन से एटीएम का मशीन से निकला गया। वो कैसे गया वो मालूम नहीं है। वो पिन कोड वगैरह कुछ लीक हो गया होगा। 22 तारीख को 1,15,000 रुपए निकल गए हैं। प्रारंभिक जो बैंक से जानकारी ली गई और पूछताछ की गई, इसने न तो बैंक के संबंध में कोई गोपनीय जानकारी बताया और न ही कोई कॉल आया। और जो जानकारी स्टेटमेंट में देखा गया है उसमें हीरापुर से एटीएम से निकला दिखा रहा है और इस आधार पर ये प्रारंभिक रूप से प्रतीत हो रहा है कि एटीएम क्लोनिंग हुआ है। वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर थाने के ग्राम